हेलो दोस्तों, क्या आपका किसी पुराने कनेक्शन का बकाया बहुत ज़्यादा हो गया है? आप इसे ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं भरूंगा और ये बाद में माफ़ हो जाएगा, या फिर आपका कोई तो किराएदार था जो बिना बिजली का बिल दिए ही भाग गया है, तो उसे अब कौन भरेगा? या फिर आपने कोई घर खरीदा है जिसमें पहले से ही बिजली बिल का बकाया है, तो फिर उसे कौन जो है भरेगा? या फिर किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो क्या ये बिल माफ कर दिया जाता है या फिर इसे भरना ही पड़ता है? इन्हीं सभी कमेंट्सों का हम आज जो है जवाब देंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आप जो देख रहे हैं अपना चैनल सैंडी टेक थिंग। दोस्तों, ज्यादा ना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। अब दोस्तों, इसी गलतफहमी की वजह से कई उपभोक्ता अपना बिल बढ़ा लेते हैं, मतलब नहीं भरते तो बिल तो बढ़ेगा ही। और दोस्तों, क्या क्या कार्रवाई जो है वो बिजली विभाग आपके ऊपर करता है जब आपका बकाया ज्यादा हो जाता है? दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है विभाग एक नोटिस जारी करता है और कहता है कि भाई इसे 15 दिन में भर दो, नहीं तो आपकी जो है वो लाइट काट दी जाएगी। अब भुगतान अगर उसको भी नहीं भरता है, 15 दिन में भी नहीं भरता है, तो उसकी जो है 15 दिन में उसकी जो है वो कनेक्शन काट दिया जाता है। अब काटने के बाद अब भुगतान ये सोचता है कि भाई कनेक्शन तो काट दिया, अब उसके बाद 6 महीने बाद क्या होता है कि उस मीटर को विभाग जो है वो उखाड़ के ले जाता है। अब उपभोक्ता ये सोचता है कि भाई अब तो कनेक्शन भी गया, मीटर भी गया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब ये बिल जो है वो मेरे को भरना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये ज्यादा के केस इसलिए होता है, कोई अपना बिल क्यों नहीं भरता? उसका नया कनेक्शन है, उस कनेक्शन से बिजली यूज कर रहा है, पुराने कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना बिजली बिल तो कोई रहेगा नहीं। अगर किसी का कनेक्शन काटते हैं तो उसे जो है वो पैसा भरना ही पड़ता है, लाइट चाहिए तो भाई पैसा तो भरना पड़ेगा। तो बाद में क्या होता है कि अब इस पैसे को बकाया राशि को जो है वो नए खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस भुगतान का नया कनेक्शन जो जहां पे वो रहता है उसके कनेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर भुगतान वो का नया कनेक्शन नहीं है तो उसके बाद उसके बिटनेस को ढूंढा जाता है। जब हम कनेक्शन लेते हैं तो एक बिटनेस आईडी आपको देनी पड़ती है, तो उस कनेक्शन में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर वो भी अगर नहीं होता है तो उसके बाद ये केस चला जाता है लोक अदालत में, और लोक अदालत क्या करता है, फिर संपत्ति को जब्त करके जो है बिल भरवाता है। तो दोस्तों, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि अगर आप बिजली बिल नहीं भरते हैं, आपका पुराना कनेक्शन है और बिल नहीं भरेंगे तो ये माफ कर दिया जाएगा। या फिर हमने बात बताई कि अगर उपभोक्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस बिल को कौन भरेगा, या फिर किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस बिल को कौन भरता है या उसे माफ कर दिया जाता है? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो उसके आगे जो बेटे होते हैं उनको ये बिल भरना पड़ता है, जो उसकी जमीन के वारिस होते हैं ये उनको ही भरना पड़ता है। तो अगर आप ये भी यह आपका कोई पुराना कनेक्शन, आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है पैसे नहीं भरूंगा और बिजली बिल जो है वो माफ हो जाएगा, तो दोस्तों इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। बाद में ये पैसा आपको बहुत ज्यादा सरचार्ज के साथ जो है भरना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई आपका 1,000 रुपये भी है तो उसमें हर महीने जो है वो 2% सरचार्ज लगता है, तो ये अमाउंट जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अब थोड़ी सी मैंने बात बताई थी कि क्या अगर आपने मकान खरीदा है और उसका पहले से ही बकाया है, उसका बिल कौन भरेगा? तो दोस्तों, ये आपको ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपको देखनी होती है कि जब आप मकान खरीद रहे हैं तो उसमें कोई पुराना बकाया तो नहीं है, तो दोस्तों ये आपको ही भरना पड़ता है। तो आज मैंने ये सब चीज़ें आपके समक्ष रखी और सब चीज़ें क्लियर की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।